तो गैस आज की इस वीडियो में बात करते हैं दुर्लभ के शब्द जो कि यार आप सभी को पता है उज्जैन का किंग और उज्जैन का डॉन जो कि आप सभी को पता है इस दुनिया के अंदर नहीं है लेकिन उसके चाहने वाले इतने हैं जो कि उनको भूल नहीं पाते हैं। तो बात कर लेते हैं दुर्लभ केशव कि कहाँ पर रहता था, यानी कि दुर्लभ केशव का दो जगह फ्लैट थे, यानी कि यार आप सभी को पता है उज्जैन के अंदर भी था और उनका एक इंदौर के अंदर भी था। तो उनके पिताजी इंदौर के अंदर बिजनेस किया करते थे और उनकी मम्मी टीचर थी जो कि यार दुर्लभ केशव जो कि दोस्तों के संगत के अंदर पड़ गया था, यानी कि अपने दोस्तों के साथ रहा करता था और वो थोड़े नशे भी करने लग गया था, यानी कि दारू सिगरेट गांजा वगैरह इनके भी नशे करने लग गया था। धीरे धीरे उनकी आदत सी पड़ गई थी। तो ऐसे करते करते दुर्लभ केशव थोड़े ज़्यादा अलग स्टाइल के बंदे बन गए थे, यानी कि उनके मम्मी जी को फिर पता चला था, उनके पिताजी को भी थोड़े दिन बाद ही पता चल गया था। लेकिन दुर्लभ केशव का सपना और खौफ अलग ही था कि वो एक छोटी सी उम्र के अंदर गैंगस्टर बन गया था, यानी कि उनके छोटी मोटी चीज़ पे भी फायरिंग कर देते थे, यानी कि इतनी भी नहीं कि हर किसी को अंजाम दे दे, यानी कि वो ऐसे लोगों को अंजाम देते थे जो उनसे दुश्मनी मोल लेते थे। दुर्लभ केशव की मम्मी जी जो कि उनको फिर पता चला तो उनका बेटा उनकी भी बात नहीं मानी थी, उनके पापा को भी पता चला तो उनकी भी बात नहीं मानी थी। दुर्लभ केशव अपने मम्मी पापा का इकलौता और खानदान का इकलौता वारिस था। धीरे धीरे दुर्लभ केशव जो कि आप सभी को पता है कि गलत संगत के अंदर पढ़ते पढ़ते जेल के सलाखों के पीछे भी चला गया था। दुर्लभ केशव को जमानत पर छुड़वा दिया था लेकिन पुलिस वालों ने दुर्लभ केशव को बोला था कि तूने उम्र से ज़्यादा तो दुश्मनी पाल ली है, तू जेल के अंदर ही रह, तू सेफ रहेगा। दुर्लभ केशव भाई को पुलिस वालों ने ऐसे बोला था। दुर्लभ केशव लॉकडाउन के अंदर जमानत पे छूट के आया था तो उनके उनके चाहने वाले और उनके साथी और उनके दुश्मन भी उनको पता चल गया था कि दुर्लभ केशव को अब जमानत हो गई है और वो छूट के आ गया है। तो गैस दुर्लभ केशव के दोस्त और सब वो पार्टी वगैरह करी थी। फिर दो तीन दिन बाद दुर्लभ केशव जो कि कहीं काम से गया था चाय पीने के लिए, चाय सिगरेट हेलावाड़ी के अंदर, तो गैस वहाँ पे किसी चाय की दुकान पे छोटी मोटी बात पे कोई लफड़ा हो गया था। दुर्लभ केशव ने अपने जेब से देसी कट्टा निकाला था जो कि फायरिंग कर दी थी तो उनकी गर्दन में लग गई थी और दुर्लभ केशव भाई को मारने वाले बंदे एक नहीं बहुत सारे लड़के थे, यानी कि यार दुर्लभ केशव भाई को मौत के घाट उतार दिया। 34 चाकू लगाए थे और काफ़ी मारा था दुर्लभ भाई को, लेकिन दुर्लभ भाई अकेले ही थे इसलिए दुर्लभ भाई इस दुनिया को छोड़ के चले गए। लेकिन दुर्लभ केशव का जिगरा बहुत ही खतरनाक था। दुर्लभ केशव का एक ही डायलॉग फेमस है, आप सभी को पता है, खौफ का दूसरा नाम दुर्लभ केशव, जो कि यार वास्तव में दुर्लभ केशव का एक खौफ था और उनका नाम है और अभी तो इस दुनिया के अंदर नहीं है भाई, लेकिन काफ़ी अच्छा नाम कमाया भाई ने। तो भाई के लिए मिसयूज ज़रूर लिखे कमेंट बॉक्स में गैस, और गैस आपको नेक्स्ट जानकारी किसके बारे में चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। तो गैस मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।